नमस्कार। रूप में राष्ट्रवाद की कहानी शुरू की गई थी। राष्ट्रवाद की सफर की शुरुआत हमने फ्रांस से की। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ, नेपोलियन का पतन हो चुका था 1815 ईस्वी में। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को मुंह की खानी पड़ी। नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग के अंत के साथ ही यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात हो, जिसे हम मैटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मैटरनिक व्यवस्था कर सकते हैं थोड़ा सा मैटरनिक के विचार, मैटरनिक की जो सोच थी इसको थोड़ा हम जानते चलते हैं। 1789 की राज्य क्रांति के पश्चात विश्व में, यूरोप में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व, उदारता जैसे शब्द जो मजबूत हुए, इसको मैटरनिक ने दबाने की कोशिश की और मैटरनिक को ऐसा लगा कि शायद इस इन माध्यमों से राष्ट्र की कब्र खोदी जा रही है, इसलिए मैटरनिक इस प्रकार के सुधारों का कट्टर विरोधी और घोर प्रतिक्रिया वाले था। वह उसकी नीति थी शासन करो पर सुधार मत करो, यानी कोई सुधार नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था में किसी प्रकार की सुधार का वह विरोधी था। वह पहले की जो नीति थी उसमें घोर आस्था रखता था, इसलिए हम उसे प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं। उसने काल्सवाद के माध्यम, काल्सवाद कहने का अर्थ होता है उदारता, वो नहीं देखी किसी क्षेत्र में, मतलब कहते इतनी उदारता नहीं रखनी है जिससे किसी राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाले तत्वों का विकास, इसका सहारा लिया और यूरोप में, खासकर ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में जो अखबार या फिर नाटक या पुस्तक या अन्य सारे स्रोत जिससे में राष्ट्रीयता के भाव विकसित करने के लेख छपते थे, कहानियां लिखी जाती थी या कोई चलचित्र के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से उसे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, सब पर सेंसरशिप लागू कर अर्थात आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। 1815 ईस्वी से लेकर 48 ईस्वी तक, यानी अगले जो लगभग कह सकते हैं 32-33 वर्ष जो रहा, इसमें यूरोप के तमाम क्षेत्रों राष्ट्रवाद की भावना को दबाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कई बार आप जिसे दबाने की कोशिश करते हैं शायद उसी कोशिश में ही आप दबाना चाहते हैं और वो मजबूत हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था उस समय। और 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक आते आते भूमिगत रूप से ही, छुप करके ही, लेकिन राष्ट्रीय विचारों को मजबूत करने वाले व्यक्ति का उदय हो चुका था, मैथिली उनमें एक थे। इटली में उन्होंने युवाओं को संगठित करने की कोशिश की भूमिगत रूप से, यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था गठित थी। यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था में युवकों को जोड़ने की कोशिश की गई और युवक उनसे काफी प्रभावित हो रहे थे। इस प्रकार धीरे 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 इटली में राष्ट्रीयता की भावनाएं फिर से उत्पन्न होने लगी। हालांकि इसे चिंतित था मैटरनिक। जब 1815 के बाद जब नेपोलियन युग का अंत हुआ तो उसने तमाम फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, जहां जहां परिवर्तन हुए थे वहां पर फिर से पुराने राज व्यवस्था को, पुराने राजवंश को स्थापित करने की। 1830 ईस्वी में आते जाते फिर से फ्रांस में क्रांति का दौर शुरू हुआ, उतना सफल नहीं रहा लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। इटली में मेजरी के रूप में राष्ट्रीय विचारों को नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति का उदय हो चुका था और यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्थाएं इसके लिए काम करने लगी थी। एक संस्था थी विषय में कार्बोनरी, ये कार्बोनरी व्यापारियों की एक संस्था थी, क्योंकि किसी भी आंदोलन को जब आप गतिशील करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ती है अर्थ की, तो इस कार्बोनरी संगठन ने भी काफी मदद किया और कालांतर में धीरे धीरे कह सकते हैं हम कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत से यूरोप में फिर से एक ब्यार भरने लगी राष्ट्रवाद की,
इस हवा से अब यूरोप किस प्रकार से पोषित हुआ, कैसे उस हवा का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, इसकी कहानी आगे हमारी जारी रहेगी जब हम फ्रांस में राष्ट्रवादी आंदोलन के दूसरे चरण के संदर्भ में पढ़ेंगे। मेटरनिक युग के संदर्भ में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं वह 1815 से 1848 ईस्वी तक का रहा और घोर प्रतिक्रियावादी था, परिवर्तन का विरोधी था। वह उदारता, राष्ट्रवादिता जैसे जो भी मानव समाज के समझ में कि जो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक शब्द सब था उसको दबाना चाहता था। और इस प्रकार से मेटरनिक का जो दौर रहा वह राष्ट्रवाद के लिए कहा जा सकता है वो काली माँ का दौर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरे।